भाई आ जाओ इसमें। नहीं करते करते भी साला दो हजार रुपए से ऊपर का सामान आई थिंक ले लिया, 2000 से ऊपर का सामान ले लिया तो हो गया। और अभी अभी तक तो हम लोग सिर्फ कुछ भी नहीं घूमे, मुश्किल से 10% ही घूमे हैं। मेरे फोन का तो बैटरी हो गया डेड, अब मुझे इस गरीब के फोन से वीडियो बनाना। तुम्हारे फोन से अच्छी बन रही है इसमें। आ जाओ भाई, ऐसी गला खराब है, आइसक्रीम खाओगे? अरे मुझे मुझे ना खाना भाई आइसक्रीम, हमें ना खाना आइसक्रीम भाई। अब मैं फोन रखूंगा अंदर क्योंकि आगे है दिल्ली पुलिस। अब दिल्ली पुलिस ने मुझे देख लिया दोबारा फोन यूज करते हुए, चलो मेरे को पकड़ेगी सबसे पहले। हाँ चलना आइसक्रीम खाते हैं, कैमरा में आ रहा है तो मुझे चुमा दे रहे हो। चलना आइसक्रीम खाते हैं, वीडियो बना दिया। अब हम फोटो खिंचवाएंगे अच्छी अच्छी फोटो जो इंस्टाग्राम पर जल्दी पोस्ट होने वाली है। जो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते जाओ फॉलो कर लो, एलिगेशन 10 में मेरा आईडी है। तभी तो मैंने एलिगेशन लगाया अपने चैनल का नाम, सॉरी रखा चैनल का भी नाम एलिगेशन, यूट्यूब चैनल का भी नाम एलिगेशन। ये देखो मोदी जी के साथ मजे ले रहे बचपन के दोस्त है क्या आपके? दोस्त नहीं है मेरे। इसकी फोटो कैसे रखी इसके? देखो इन्फॉर्मेटिव चीज है। ये क्या कर रहे हैं यार दोनों, पता नहीं क्या, अब से पुलिस वाले के पास क्या करने चले जा रहे हैं, ये पागल वागल हो गए क्या? पंगा ले रहे हैं पुलिस से भी मतलब का। बाहर के एरिया है जहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना वाना खा रहे हैं, जैसे देख रहे हैं लोग पीछे बैठे हुए खाना खा रहे हैं, कुछ लोग ही हैं ज़्यादातर लोग नहीं है। हाँ ये अच्छा है, अभी तक कर सकते हैं। बोलो भाभी की जय। भाभी के नाम में पता फोटो में कितने अच्छे स्माइल करता था लड़का, देखो हटो सामने से, पहले मैं फोटो खिंचा रहा हूं, हटो सामने से, मैं खिंचवा रहा हूं। ये देखो कैसा बंदा है, फोटो खिंचवा रहा हूं तो हट नहीं रहा, हटो सामने से भाई। जैसे मेरे को फोटो मंडपम कनेटॉच कितना बड़ा है यार, देखो ये देखो देखो कितना दूर तक है भाई साहब, कौन कहेगा तुझे? मुझे कहेंगे देखो पहले जाना पटियाला, फिर साकेत, फिर एक काम करना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाना नगरी सुप्रीम कोर्ट होते हुए कहाँ जाना, खुद चले जाना एक बार। लेकिन बोलेगा कौन? ये कह रहे हैं ना इतना सारा घूमना पड़ेगा हमें। मैंने कहा ये समझ लो कि हमें इतनी कोर्ट विजिट करनी है भाई, बिहार ही है, अब जाके बिहार दिखा भाई। चलो बिहार के मतलब बिहार का एग्जीबिशन राम लखन मेरे दिल्ली उत्तराखंड घूम लो, दिल्ली घूम लो, जहाँ घूम लो भाई। ऑटो ये देखो राम मंदिर, एकदम देवी देखते हैं। अच्छा दाम तो दिल्ली देखते हैं, दिल्ली में राम मंदिर कहाँ से आ गया? मार दे साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। अरे मतलब मुझे लगा भाई पता नहीं क्या है। आ जाओ, बहुत क्राउड है भाई, बहुत क्राउड। क्या जरूर चाय पीनी है? चाय आसाम की चाय पत्ती बड़ी महंगी होगी क्या? चाय पत्ती चल चाय पी रहे हैं, कहाँ है पियोगे ना? कितने रुपए का पर? 20। अरे पीनी है। हाँ लेकिन कैसे चलते चलते पियोगे? ये पी लेंगे ना,
हाँ जी हमने चाय पिया यहाँ का आसाम का कैसा चाय जबरदस्त लाजवाब चाय बहुत अच्छी चाय बढ़िया 20 रुपये का कप दिया चाय पत्ती भी है हमने बस टेस्ट करने के लिए लिया कि कैसा है अब डिसाइड करते लेना है कि लेकिन चाय अच्छी बनी है गला साफ कर रहा है एकदम मस्त चलो देखते हैं पूछते रेट बाहर आ जाओ इधर ये वो जो फ्लेवर पे है ना हमने वो ये ठीक है ले रहे ये लो कॉफी दो भूख कर दो जहाँ जाकर मिलता है वही खाने को बैठ जाते हैं मैं तब से बिहार का खोज रहा था फाइनली मुझे बिहार वाला मिल गया दिखाऊं नहीं उल्टा दिख रहा हुआ ऐसे रुक जाओ ये देखो बिहार वालों ये देखो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कह रहे बैठना नहीं है बैठना नहीं है लगाया क्यों बैठना नहीं तो उत्तर प्रदेश दिखाऊं मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे थोड़ा बहुत गंदा सा फील आ रहा है इज दिस द डायमंड आर्टिफिशियल होगा मेरे क्या ये है काली भूख लग गया अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने फूड कोर्ट पे ये रहा देखते हैं कुछ खाने को अच्छा सा मिले मिलेगा तो अच्छा सा ही अच्छा सा रेट भी होगा भाई वो रहा ना वहाँ से हमें खरीदना पड़ेगा यहाँ बैठ के खाना पड़ेगा भटूरे तो ऐसे लाने बेटा सुनो किसे पूछो कैसे बनेगा भाई मारेगा अलग पकड़ के ये इधर का फूड कोर्ट है यहाँ पे चारों तरफ खाने का लेकिन रेट बहुत महंगा लेकिन चीज़ें इतनी महंगी है कि क्या ही बताऊँ यार बहुत महंगा यहाँ पे सामान मुझे वर्थ इतनी लग रहा है इतना महंगा सामान खरीदने का तो मतलब ही नहीं बनता ये देखो सारे लोग यहाँ बैठ के खाना खा रहे हम आगे हॉल नंबर 3 में ये है आपका बिहार केरल दिल्ली जम्मू कश्मीर झारखंड महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश आदि इंडिया कहाँ गए वेंटिक पीस चीज दिखाऊं पकड़ना ये देखो क्राउड इधर बीजू शो चलता है इधर और लोग नीचे जा रहे हैं
इतना अच्छा लग रहा है ना ये। हर जगह का अपना अपना एंट्री कहते हैं, मतलब एक नंबर, दो, तीन नंबर ऐसे करके। ये गेट नंबर 6 है। देखो गर्लफ्रेंड की कॉल आ गई इनको। विशाल सिंह ठीक है पहले, सभी इतना दूर जा रहे हैं, नहीं तो इतना दूर जाते नहीं है। हम लोगों के पास गर्लफ्रेंड नहीं, मानते बात तुम हो ना मेरे पास। सारे लोग गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं, हम लोग सिंगल सिंगल बैठे हैं। कैसा लग रहा है? मेरे को तो अच्छा लग रहा है, तुम हो ना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरा भी सपना है, क्या बोलू यार। हम लोग का किस्मत पता है किससे लिखा गया है? मोटे कड्डू से, कि ठीक से कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। सबके पास है, देख रहे हो, क्या ही बोलू मैं तुम्हें। बजाने यार अच्छा से गाना। हम लोग यहाँ के, यहाँ पे हमने सारे जगह घूम लिया, बहुत चीज़ें नहीं घूमे क्योंकि काफ़ी बड़ा है, इसको घूमने के लिए ना भाई पूरा दिन लगेगा। यहाँ पे नाइट शो वगैरह भी होता है, तो सब हम देख नहीं रहे क्योंकि हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, मैं और कपिल भाई। विशाल सर पहले ही जा चुके हैं घर, छोड़ दिया उन्होंने हमारा साथ बीच में, थक गए थे है ना, कह रहे थे मेरा रिवाइटल लेने का समय हो गया। लेकिन हम एनर्जेटिक बंदे हैं इसलिए हम लोग रुके हुए भाई।